बढ़ते ठंड और शीतलहरी के प्रकोप को देखते हुए कोडरमा में देर रात उपायुक्त मेघा भारद्वाज ने स्टेशन परिसर और इसके आसपास रहने वाले बुजुर्गों और लाचार लोगों के बीच कंबल का वितरण किया। इस दौरान उपायुक्त मेघा भारद्वाज ने खुले आसमान के नीचे रहने वाले बुजुर्गों से रैन बसेरा में जाने की अपील भी की। उपायुक्त ने पूरे स्टेशन परिसर का मुआयना किया और खुले में रहने वाले लोगों से मिल रही सरकारी सुविधाओं की जानकारी ली। तकरीबन 50 से ज्यादा बुजुर्गों और महिलाओं के बीच कंबल का वितरण किया। इसके अलावा झुमरी तिलैया शहर और कोडरमा शहर के चौक चौराहों पर जिला प्रशासन की ओर से अलाव की व्यवस्था की गई है। उपायुक्त मेघा भारद्वाज ने बेवजह लोगों से ठंड में बाहर नहीं निकलने की अपील की। साथ ही बताया कि राज्य सरकार के निर्देश पर जरूरतमंदों को ठंड से राहत प्रदान करने के लिए मदद की जा रही है। सामाजिक सुरक्षा विभाग की तरफ से उपलब्ध कराया जा रहा है और अलाव का भी इंतजाम कराया गया है और इस संबंध में हम लोगों ने सभी हमारे पदाधिकारियों को राशि भी दी है ताकि अलाव का इंतजाम हर जगह पर कराया जा सके। और जिनके पास भी घर नहीं है, जो होमलेस लोग हैं, तो वो रैन बसेरा है, हम लोग उसकी सुविधा भी देख लेंगे, वहाँ पर वो लोग रह सकते हैं। बाकी इन जनरल जो पब्लिक है उनको तो यही एहतियात है कि वो घर में रहें, जितना हो सके बचें।